नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में CCEA यानी कि आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है, जिससे कि इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी, मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री गाड़ियों की भी संख्या भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी और तेज गति से संचालन किया जा सकेगा। इस समिति की बैठक में जिन 3 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई उनकी लागत 8,000 करोड़ रुपए की है। इसमें भुसावल मंडल की 2 परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा एक अन्य परियोजना भी है, प्रयागराज से लगा के मानिकपुर के बीच में 84 किलोमीटर की तीसरी लाइन बिछाने की एक महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को लगभग 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी खंडवा बुरहानपुर भुसावल तीसरी चौथी लाइन के बारे में। तो इस परियोजना को मंजूरी अंततः मिल गई है। करीब 3514 करोड़ रुपए इसकी लागत निकलकर सामने आई है। इस कार्य को अगले 4 साल में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए क्षेत्र के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार माना गया है। उन्होंने बताया कि इन 3 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं को इन रेलखंडों की मौजूदा लाइन क्षमता में वृद्धि, परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और त्वरित विकास कार्य होगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ कम होगी। मुंबई प्रयागराज के बीच में सबसे व्यस्त खंडों पर जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा, साथ ही क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर भी यह व्यापक विकास के माध्यम से बनाएगा। यह गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो कि एकीकृत योजना के माध्यम से बनी है। 3 राज्यों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को कवर करने वाली इन 3 परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 639 किलोमीटर तक बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि खंडवा और चित्रकूट जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आगे आप सुनिए खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का इसके बारे में वक्तव्य। नमस्कार, खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। दिनांक 25 नवंबर को कैबिनेट के बैठक के अंदर निर्णय लिया गया, खंडवा से लेकर भुसावल तक 131 किलोमीटर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने के लिए 3,513 करोड़ रुपए 86 लाख रुपए की स्वीकृति इस कैबिनेट में दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से अनेक ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें सभी हमारे धर्म में आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों को आवागमन के लिए एक बड़ी सुविधा इस रेल परियोजना के माध्यम से मिलेगी। क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से आवागमन की दृष्टि से सुविधा मिलेगी और मालवाहक रेलगाड़ियों का भी आवागमन बड़ी संख्या में यहां से होगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जलगांव मनमाड़ के बीच में चौथी लाइन का विस्तार होने से भविष्य में काफी महत्वपूर्ण मुंबई रेल मार्ग को यह एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। इसके अलावा जो यह सभी परियोजना स्वीकृत हुई है, इससे बड़े बड़े धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें कि हमारा नासिक त्र्यंबकेश्वर, खंडवा ओंकारेश्वर तथा वाराणसी काशी विश्वनाथ के साथ साथ प्रयागराज की कनेक्टिविटी, चित्रकूट, गया, शिरडी आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को भी काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा विश्व धरोहर स्थल देवगिरी किला, असीरगढ़ किला, अजंता एलोरा गुफाएं, रीवा किला, यावल वन्य जीव अभ्यारण्य, केवटी जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात आदि जैसे विभिन्न आकर्षणों को बेहतर पहुंच के माध्यम से पर्यटनों को भी बढ़ावा देंगी। तो यह परियोजनाएं स्वीकृत होना एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर भविष्य में साबित हो सकता है। गति शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इनका निर्माण कार्य होगा, तो यह परियोजना जल्दी पूरी होंगी।
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली CCEA यानी कि केंद्रीय आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे और भी जानकारियां विभिन्न परियोजनाओं के बारे में निकलकर सामने आएगी, हम आपके समक्ष रखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।